85 लाख एक घोड़े का दाम लगे, लेकिन वो 1 करोड़ मांग रहे थे इसलिए बिकी। तो ये एक मशहूर, अलग अलग से लोग जो घोड़े पालते हैं वो आते हैं और व्यापारी आते हैं, और आज इस भव्य घुड़सवारी का और घोड़दौड़ का और देसी घोड़ियों का, घोड़ों का नाच का जो प्रदर्शन किया बड़ा सराहनीय है। इसके लिए हम जिला पंचायत के अध्यक्ष और डॉक्टर राजेंद्र सिंह का दोनों के आभारी हैं कि उन्होंने ये पुरानी परंपरा को पुनर्जीवित यहाँ कर रहे हैं। हम पूरी उम्मीद है कि इस समय इसको लगाने में बहुत से अड़चन आई होगी, जानकारी का अभाव भी होगा लोगों को, कोरोना काल में लोगों को ये भी आशंका थी लगेगा कि नहीं लगेगा, लेकिन मेरा पूरी उम्मीद और विश्वास है कि अगले साल और भव्य रूप इसको दिया जाएगा, जैसा कि डॉक्टर साहब डॉक्टर राजेंद्र सिंह जी ने और जिला पंचायत अध्यक्ष डॉक्टर मंजू भदौरिया ने ये इस तरह से अभ्य हम लोग को बताया, और अब जो उनका जो एक्सपीरियंस होगा उसको और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। थैंक यू। चेहरा नहीं कटा चाहिए बस। जी अध्यक्ष जी, भगवान भोलेनाथ की नगरी में मेले का, आपके प्रयासों से मेले का आयोजन हुआ। मेले के लिए, मेले के तथा बटेश्वर के विकास को लेकर के आप क्या कहेंगे? एक्चुअली ये हम सबका सौभाग्य है कि आज हमें भगवान भोलेनाथ की सेवा करने का इस रूप में अवसर मिला है। आप सब जानते हैं जैसे कि ये मेला पशु मेला, जैसे घोड़े, खच्चर, गधों एवं ऊँटों के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन इसके साथ ही मैं प्रयास करती हूँ, कर रही हूँ, कोशिश भी कर रही हूँ कि इसको व्यावसायिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, धार्मिक रूप से इसके स्वरूप को अच्छा बनाया जाए। साथ ही मेरा प्रयास ये भी रहेगा कि खेल कूद को भी मैं इसमें इंक्लूड करूँ, खेल कूद की प्रतियोगिताएँ यहाँ पे रखूँ, जिससे कि खेल कूद को भी बढ़ावा मिले। इसके लिए अभी 11 नवंबर को एक मैराथन दौड़ भी होने वाली है, और आपका दंगल का भी प्रोग्राम होगा, जिसमें जो प्रथम पार्टिसिपेट जो करेगा, प्रथम जो आएगा उसको 1 लाख का इनाम दिया जाएगा, जो सेकंड आएगा उसको 21,000 का, एवं जो थर्ड आएगा उसको 11,000 का इनाम दिया जाएगा। इसी तरह मेरा प्रयास रहेगा आगे भी इस मेले को दिव्य, भव्य, अलौकिक रूप देने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। बटेश्वर भगवान शिव की नगरी में आज हॉर्स शो का आयोजन किया गया है, मेले के गिरते स्तर तथा इसके और बढ़ावे के लिए आप क्या क्या प्रयास करेंगे? बटेश्वर बड़ा तीर्थ, ऐसा कहा जाता है कि तीर्थों का भांजा है, छोटी काशी भी कहा जाता है, हमारे भदौरिया राजाओं का गढ़ रहा है। और सही बयाने में देखा जाए तो बटेश्वर के जितने भी मंदिर हैं उनका पुनरुद्धार आदरणीय हमारे बदन सिंह भदौरिया साहब ने ही किया था। यहाँ से लगा करके, द्वापर से लगा करके सतयुग तक बटेश्वर का नाम आता है, कई जगहों पर नाम आता है, कंस का नाम आता है, कई जगह पर गुरुसेन का नाम आता है, सूरसेन का नाम आता है, ऐसी ऐतिहासिक नगरी। और मैं इसको पूरे भारत ही नहीं बल्कि विश्व पटल पर ले जा करके इसको पर्यटन के रूप में, धार्मिक रूप में, व्यावसायिक रूप में एक नई ऊँचाई देना चाहता हूँ। ये मेरा पहला प्रयास है, कितना सफल होगा ये आप लोग अच्छी तरह से बताएंगे मुझे, लेकिन अगली बार जो कुछ होगा उसको देख करके सभी लोग अचंभित रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। थैंक यू। मेरा नाम भोला उस्ताद है। उस्ताद कहाँ के रहने वाले हो? जिला फिरोजाबाद का रहने वाला। आपका घोड़ा जो प्रथम स्थान आया आपको कैसा लगा? अच्छा लगा। इसके लिए क्या क्या खूबियाँ हैं घोड़े के अंदर? इसके अंदर चाल की खूबियाँ हैं, चाल चलता है, चाल चलता है। अच्छा, इसकी कीमत कितनी है? 11 लाख रुपये कीमत है। आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। और भी पहले कोई, आप बोलो बताओ, और भी पहले कभी कोई इनको इनाम मिला? हाँ, मैं बटेश्वर 9 साल चैंपियन हूँ। तो कौन सी नस्ल का घोड़ा है? ये गुजराती सिंधी है।
करूँ अपने घोड़े के द्वारा कर्तव्य दिखाते हुए। और उन्हें बार बार कार्यक्रम के अपने पन में डालते हुए और इस कार्यक्रम की भव्यता को बढ़ाते हुए। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।